हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जिससे आप जान पाएंगे कि आपका बेटा यानी होगा तो किस साइड रहता है, यदि बेटी होगा तो किस साइड रहता है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि बेबी मोमेंट राइट साइड हलचल करता है या लेफ्ट साइड हलचल करता है, तो क्या होता है बेटा या बेटी। तो माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आपका आने वाला बच्चा इस दुनिया में सही सलामत आए, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई वीडियो अपलोड करती हूँ जो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे ही कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसका खुशियाँ का ठिकाना नहीं होता है और बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है और जानने की इच्छा होती है कि होने वाला बेबी क्या होगा, उन्हें लड़का होगा या लड़की होगा। उनके हस्बैंड से लेकर परिवार वाले सब कोई जानना चाहते हैं। हालांकि उनका नेचर नहीं होता है कि हमें लड़का हो या लड़की हो भेदभाव करने का, बल्कि उन्हें बहुत सारे शॉपिंग करना होता है जिसके वजह से वो बेटा और बेटी के लिए जानना चाहते हैं, क्योंकि वो दोनों में खुश रहते हैं। मेरा समझ से आज के ज़माने में तो लोग कोई लड़के लड़की में भेदभाव कर ही नहीं सकते हैं। तो मेरा चैनल जेंडर प्रेडिक्शन का बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं देता है, तो आप लोग भी लड़के लड़की में बिल्कुल भेदभाव नहीं करें। और मैं जो भी सिम्टम्स शेयर करती हूँ वो सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है और बड़े बुजुर्गों का, दाई माँ का अनुभव होता है। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और मेरा यानी कि काम है आपको सटीक जानकारी देना, सही जानकारी देना, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। तो मेरा प्रेगनेंसी में उस समय जब मेरा 2 मंथ हो गया था तो उसमें मेरा कहाँ पे दर्द होता था, जिसकी वजह से मुझे क्या हुआ था, वही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, मेरा प्रेगनेंसी जब मैंने कंसीव किया था तो 2 मंथ हुआ था, तो मुझे राइट साइड बहुत ज़्यादा दर्द होता था। मैं बहुत ज़्यादा उतना भी नहीं बोल सकती हूँ, हाँ, बट दर्द रहता था, फिर ठीक हो जाता था, रहता था, ठीक हो जाता था। तो यह एक संकेत माना जाता है और हमारी दादी माँ ने बोली थी कि तुम्हें लड़का होगा, तो मुझे सच में लड़का ही हुआ था और यह एक बेटा होने का संकेत माना जाता है। वही आपका लेफ्ट हैंड लेफ्ट में दर्द होता है तो यह एक माना जाता है कि आपका होने वाला बेबी गर्ल है। लेकिन देखिए, दर्द थोड़ा बहुत है तो चलेगा, यदि आपको बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर से आपको दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा दर्द भी हमारे सेहत और बच्चे के लिए दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि यह सिर्फ अनुभव है, अंदाजा है। ऐसा ना करें कि हाँ मुझे लड़का होने वाला है, दर्द हो रहा है तो लड़की होने वाला है, जिसकी वजह से आप लापरवाही कर दें तो आपको नुकसान हो सकता है। जब भी कुछ परेशानी हो तो इन सभी लक्षणों पर आँख बंद करके आप भरोसा ना करें और डॉक्टर से दिखाएं। चलिए अगले सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि आपका सिर में दर्द होता है, ये दर्द हल्का फुल्का पूरे 1 मंथ से लेकर पूरे 9 मंथ तक लगातार ऐसे होते रहता है, तो मुझे होता था तब मुझे उस समय बेबी बॉय हुआ था, तो ये भी एक बेबी बॉय होने का लक्षण है। यदि आपको सिर में दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है, नॉर्मल है, आपको कुछ परेशानी नहीं होती है, आप पूरा कूल है, तो यह एक लड़की होने का संकेत माना जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि यदि आपको सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है बर्दाश्त फाजिल, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर दिखाएं, जिस डॉक्टर से आप कंसल्ट किया है प्रेगनेंसी में, क्योंकि ज़्यादा सिर दर्द होना भी खतरे की घंटी हो सकती है, बच्चों के लिए नुकसान हो सकती है, आपके लिए भी नुकसान हो सकती है, माइग्रेन जैसी बीमारी की समस्या हो सकती है। तो आप डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं, आँख बंद करके बिल्कुल भी आप अंधविश्वास पर भरोसा ना करें कि हाँ मेरा लड़का होगा या लड़की होगा जिसकी वजह से दर्द हो रहा, तो आप डॉक्टर से दिखाएं। चलिए अगले सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि आपको प्रेगनेंसी के दौरान एक हैंड में या किसी भी एक हैंड या एक पैर में दर्द होता है, मुझे होता था, क्योंकि मेरे लिए 110% वर्क किया है, ज़रूरी नहीं कि आपके लिए भी हो सके, तो उसमें मेरा बेबी बॉय हुआ था। जब मुझे यानी कि लेफ्ट में दर्द होता था, बेबी गर्ल के टाइम हुआ था, तो मेरा अनुमान है, मेरा अंदाजा है और बड़े बुजुर्गों का अनुभव है। ज़रूरी नहीं है कि आप पर भी सटीक हो, कभी कभी लक्षण अपोजिट भी हो जाते हैं। बाय चांस किसी किसी पे तुक्का लग जाते हैं ये लक्षण जो सही साबित होते हैं, अन्यथा इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो 110% वर्क करे, तो इन लक्षणों पे आप आंख बंद करके भरोसा ना करें। वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है आपका दिल की जिज्ञासा को, उत्सुकता को कम करने के लिए, सिर्फ मनोरंजन के लिए इस वीडियो को देखें, प्रेगनेंसी के दौरान अपने को हैप्पी रहने के लिए, खुश रहने के लिए इस वीडियो को देखें, अन्यथा आप लड़के लड़के में भेदभाव करने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें। मिलती हूँ अगले न्यू वीडियो में। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।